अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग, और मैं हूँ रिचा। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हम जा रहे थे पाताल भैरवी माता जी के मंदिर राजनांदगांव। तो बस फिर हम पहुँच गए राजनांदगांव पाताल भैरवी माता जी के मंदिर। तो गाइस, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस, फाइनली हमने कार ले ली। मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम कार लेने का सोच रहे हैं, बट इतनी जल्दी ले लेंगे ये तो हमें भी नहीं पता था। तो फाइनली हमारे पास हमारी कार है। तो गाइस, अभी सावन का महीना चल रहा है और हमें कार की पूजा करवानी थी, तो इसीलिए हम राजनांदगांव गए थे पाताल भैरवी माता जी के मंदिर। तो चलिए गाइस, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो गाइज, हम कार की पूजा करवाने गए हुए थे नांदगांव, बट कार की पूजा हो नहीं पाई क्योंकि मंदिर के जो कार की पूजा करते हैं वो वाले पंडित जी वहाँ थे नहीं। आज सोमवार का दिन था तो हमने सोचा कि हम शिव जी के मंदिर पे ही कार की पूजा कराएं। जब हम दुर्ग में वापस आए तो शिवनाथ नदी के पास एक शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ पर पंडित जी भी थे, तो हमने वहीं से ही पूजा करवा ली।
जैसा कि आपने देखा कि हम गए हुए थे राजनांदगांव पताल भैरवी, तो मैंने आप लोग से शेयर किया था कि हम भी कार खरीदने का सोच रहे हैं। तो फाइनली हमने अपनी लाइफ की फर्स्ट कार खरीद ली है। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अब यूट्यूब में ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी अपनी खुशी शेयर कर सकती हूँ। ये कार मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। और गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी मैं कार में जाती हूँ और एसी चलता है तो मुझे वॉमिटिंग होती ही होती है, बट मुझे मेरी कार में बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई जबकि एसी भी चल रहा था। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम अपनी लाइफ में एक स्टेप और आगे बढ़ गए। और गाइस, सबसे मेन चीज़, मैंने आप लोगों को अपना हेयर कट नहीं दिखाया था, तो मेरे हेयर कुछ इस तरीके से हो गए हैं, मैंने कट करवा लिए क्योंकि आपको पता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लंबे बाल रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे। तो प्लीज़ बताना कि आप लोगों को मेरा हेयर कट कैसा लगा। और जी गाइस, आज का लुक मेरा कैसा लगा, मैंने आज येलो कलर की कुर्ती पहनी है, रेड कलर का प्लाजो, और मैंने कान में डाला हुआ है गोल्डन कलर की इयररिंग्स, और गोल्डन और नॉर्मल सा डाला हुआ है मैंने चैन। गाइज, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आज का लुक मेरा कैसा लग रहा है। गाइज, यहाँ पे ना घर बन रहा है तो यहाँ पे कुछ मशीनें चल रही हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना ये मशीन की आवाज़ को। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज, आगे के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारा कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा ब्लॉग। बाय गाइज।